और मैं तुमसे हाथ जोड़ गया, तुम्हारे पैर पड़ के भाई ये बोलूँगी, जितनी भी मेरे साथ की वीडियोज है ब्लॉग से सारी चीज़ें डिलीट कर दो बस, जिससे मेरा मन हो तुम्हें छोड़ के, मैं किसी मम्मी किसी से भी करवा देगी पर तुमसे मुझे कुछ नहीं रखना और वीडियो अच्छा रिलेशनशिप वीडियो हर चीज़ सब यही करना। अच्छा मेरे साथ ठीक है यार, सुनो आज से हमारा सब कुछ ख़त्म, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, अब हम कभी साथ नहीं रहेंगे, मैं जा रही हूँ शादी करने। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, दिस इज मी जस्टिन रोमियो, स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज का ब्लॉग क्या होने वाला है जो कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही होगे। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ पूरी चीज़ के आज का ब्लॉग मैं शूट क्यों कर रहा हूँ। तो भाई कल रात ना रिशु की मेरे पास में कॉल आई थी, मतलब रो रही थी, बोल रही थी यार मेरे साथ में कुछ सीन हो गया है, मिल के बताऊंगी, वो पता नहीं क्या सीन हुआ है। वो बोल रही थी मतलब कि करियर से रिलेटेड, हमारे रिलेशन से रिलेटेड है, तो क्या चीज़ है क्या नहीं है भाई मुझे भी नहीं पता। तो मुझे मिलने के लिए बुलाया उसने सीपी, अभी मैं जा रहा हूँ सीपी, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ पर वो आ रही है। वो भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, मैं इसीलिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ यार जो भी आप लोगों को पता लगे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की हर चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो भाई जो भी है ये भी चीज़ आप लोगों को पता लगे। और रिशु बोल रही थी कि यार ब्लॉग शूट करते हुए आओ, वैसे मैं शूट नहीं कर रहा था लेकिन रिशु बोल रही थी ब्लॉग शूट करते हुए आओ। तो भाई अभी चलते हैं सीपी, वो मुझे डायरेक्ट सीपी मिलने वाली है, तो अभी चलते हैं वहाँ चल के जो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेट्रो आ गई है तो चलते हैं आप लोगों को सीपी चल कर मिलते हैं। तो भाई बिना स्किप करे देखना ब्लॉग को, एंड जो चैनल पर आए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना अपने भाई को, वहाँ पर तुम्हारा भाई डेली अपडेट देता रहता है। तो चलते हैं वहाँ पर चल के आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज मैं ना फाइनली ना सीपी पहुंच चुकी हूँ और ना मैंने जस्टिन को बुलाया क्योंकि मुझे ना जस्टिन से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो किस बारे में बात करनी है वो भी आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा। और हाँ एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी पर वीडियो के एंड में बताऊंगी, जो सुन के ना आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे, तो पर मैं अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि कुछ फिर कोई मतलब बात ही नहीं रहेगी, इसलिए मैं ना आप लोगों को भी ना वीडियो के एंड में बताऊँगी। और ना जस्टिन ब्लॉग बनाते हुए आ रहा है, आप लोगों को पता मैंने तो ब्लॉगिंग छोड़ दिए, पर ये टेक ना मतलब मेरी बहन के पास भी आईफोन है, तो मैंने उसको बोला भाई मुझे आज आईफोन दे दे, क्या कर रहे हैं ऐसे ही मांगना पड़ता है, उसको ना चल ले जा क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी कॉलेज, वो गई नहीं थी, तो मैं लेकर आ गई हूँ, हो सकेगा तो मैं ये टेक ना उसके व्लॉग में ना इंक्लूड करवा दूँगी। तो अभी वो आगे की साइड है तो चलो उससे मिल लेते हैं और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि बात क्या करनी है, यार बुरा तो लग रहा है पर बात तो करनी पड़ेगी। तो भाई देख सकते हो भाई अभी तुम्हारा भाई पहुँच चुका है सीपी और रिशु मुझे बोल रही है कि जहाँ पर हम खाना खाते हैं हर बार तो वहाँ पर आ जाओ। तो भाई यार समझ में नहीं आ रहा मतलब यार क्या सीन है क्या चक्कर है। भाई रात को ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, बोल रही थी कि यार जस्टिन समझो मेरी प्रॉब्लम, मतलब पता नहीं यार क्या बोलना चाह रही थी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी वो जहाँ पर हम खाना खाते हैं ब्रेड पकोड़े वाली शॉप पर बुला रही है, तो वहाँ पर चलते हैं। और भाई आज कोई भी साथ में नहीं आया और मुझे अकेले आना पड़ा, और भाई मेरा मन नहीं था ब्लॉग शूट करने का बट मैं कर रहा हूँ, पता नहीं कौन सी बात है। तो मैं चाहता हूँ जो भी बात है आप लोगों को ही पता लगे। तो अभी चलते हैं ब्रेड पकौड़े वाली शॉप पर, वहाँ चल कर देखते हैं क्या बात है क्या नहीं, जो भी आप लोगों को चल कर दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो भाई अभी मैं आ चुका हूँ ब्रेड पकोड़े वाली शॉप पर और रिशु भी आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो, और ये ब्रेड खा रही है। बताओ क्या कह रही हो, हैं बताओ ना। अरे जब लंबी बात है तो अभी कैसे बताऊं, खाने के बाद बताऊंगी ना, सब्र कर लो तुम भी खा लो तब तक। मेरा मन नहीं कर रहा, चलो खा लो। तो गाइस अभी ये खा लेती है, और कौन सी बात की बात कर रही है भाई, माइंड में बस यही चल रहा है कि कौन सी बात है जल्दी पता लगे। रो क्यों नहीं थी, बोला तो तब बात बताऊंगी ना, पूरी बताऊंगी, याद नहीं यहाँ बता दो आगे कहीं और सच्चे एक जगह बैठ के पूरी बात बताऊंगी ना। चलो गाइस अभी आप लोगों से मिलते हैं इसके खाने के बाद कहीं पर बैठ कर, इससे पूछते हैं कौन सी बात है क्या, वो आप लोगों को भी पता लग जाएगी। तो बने रहो ब्लॉग में, अभी आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई अभी कुछ खाकर आ चुके हैं, ठीक है आप बताओ क्या बोल रहे हैं फिर आपको। बता रही हूँ यार मतलब मेरे को दिक्कत नहीं, बता रही हूँ मैं ये चाह रही हूँ कि एक जगह पे बैठ जाए उसके बाद में बता। यार बताओ ना रिशु तुम टेंशन पर टेंशन दिए जा रही हो, वहाँ पर भी तुमने इतना वेट कराया, वहाँ पर तुम्हारा वेट मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुमने तो अभी वहाँ पर खा भी लिया है। आपको मना नहीं कर रहा, आप खा सकते हो। तो यार तुमने टेंशन ही दे रखी है इतनी बड़ी। मेरी नहीं है, आपकी घर वालों की रिस्पांसिबिलिटी है ना कि आप खा रहे हो नहीं खा रहे। तुम्हें क्या करूँ, मेरा काम है बोलना, वो आपकी घर में खाना ना खाना। ऐसा क्यों बोल रही हो यार, देखो बाकी है मैंने ना पूछा तो बोलने वाले बनते हो ना। तो अब क्या बात है ये तो बता दो। बोला तो एक जगह पर बैठ के ही बताऊंगी मेरा बैठे नहीं। तो गाइस अभी चलते हैं कहीं पर बैठते हैं और जो भी बात है इससे पूछते हैं, बाकी आप लोगों को भी पता लग जाएगी क्या बात है क्या नहीं है। तो भाई मतलब कि यार क्या ही बोलूं, कुछ मन नहीं कर रहा, इन्हें टेंशन दे रखी है, क्या ये कुछ मजाक कर रही है मेरे से या कुछ कर रही है वो चीज़ है।
चलो गाइस कहीं पर बैठते हैं, उसके बाद में इससे बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो भाई अभी हम बैठ गए हैं, रिशु मुझे बोल रही थी कि कहीं पर बैठ कर बात करूँगी, तो अब बैठ गए। अब कैमरे के सामने बताओ क्या बात। मैं पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, डाउट है तो पहले चेक कर। अबे यार क्या, किस चीज़ का प्रैंक तुम्हें लगेगा? अगर तुम चेक कर लो कि मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं बात स्टार्ट करूँ ना, और देखो मेरी बात सुनो, उल्टी सीधी बात से तो करना मत मेरे से, मुझे पता है तुम रो रही थी। देखो उल्टी हो सीधी हो टेढ़ी हो मेढ़ी हो ये तो तुम जानोगे तुम्हें कैसी लगती है बात, पर मैं करे बस मैं जाऊँगी। देखो मेरी ना बात की जिसने ना कोई वादा मत डालना, मतलब अपनी टांग मत डड़ाना, कोई मेरी बात सुन लेना, फिर जो तुम्हारी बात होगी वो रखना, फिर मैं चली जाऊँगी। तो हाथ क्यों हटा रही? गर्मी लग रही है अब तो, ठंडा मौसम हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, जो भी बात है जो भी प्रॉब्लम है ठीक है मुझे बताओ, साथ में पब्लिक भी देख रही है ठीक है, पब्लिक को भी बताओ, पब्लिक भी सोल्यूशन बताएगी, मैं भी अब तो मैं काम कर पा रहा था, तो बेटा कैमरा रूम में क्योंकि बाद में आप पक्का ये नाटक करोगे, मजाक है प्रैंक है ये हो, तो आप पहले ही रूम में। तो भाई नहीं कर रही हो ना, प्रैंक करने से बेकार में लड़ाई होगी, फिर बाद में गुस्सा हो जाऊंगा ना, फिर तुम मनाती रहना। अगर प्रैंक करोगी तो ये बात ध्यान रखना ठीक है। मेरी फैमिली, रुको आराम से बताओ मेरी फैमिली मेरे को बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रही है वीडियोज में किसी चीज़ में, और सेकंड चीज़ मेरे आगे जो रिश्तेदार थे सबकी चीज़ पता चल गई है, तो वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस चीज़ के। मम्मी को बहुत चीज़ें सुनने को मिले, तो मम्मी ने इसे बंद करवा दिया है, और फिर वीडियो दी नहीं, मम्मी ने आपसे सब ख़त्म करने को बोला है, और ख़त्म करिए मम्मी ने बोला आप शादी कर लो कहीं पे, मतलब कि जैसे मैं कहीं पे शादी कर लूँ, उसके बाद मुझे जो चाहिए हो या मैं जो चाहती हूँ मम्मी सब करवा दी, मैं किसी से शादी कर लूँ, ऐसा नहीं किसी से भी कर लूँ जिससे मेरा मन हो, तुम्हें छोड़ के मैं किसी से, मम्मी किसी से भी करवा देगी, पर तुमसे मुझे कुछ नहीं रखना, और वीडियो। अच्छा चलो हो गया, जो बात है वो बात बताओ, रो क्यों नहीं थी रात को, बस ये बताओ। यही बात है, मैं यही बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं रहना चाहती हूँ, पर वही मेरे लिए मेरी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं मेरी मम्मी ने मुझे इतने टाइम तक पाला, इतनी सारी चीज़ें करी, और अब वो उनको इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, तो मैं चुप थोड़ी बैठ जाऊँगी। मैं भी बोल सकती हूँ, पर वही इज्जत का भी सवाल होता है, और मैं रहना चाह रही हूँ तुम्हारे साथ, पर क्या ये चीज़ यहीं खत्म, क्या रिलेशनशिप वीडियो हर चीज़ सब यहीं खत्म। अच्छा मेरे साथ, तो किसने बोला है? मम्मी ने बोला। चलो मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ भाई, मम्मी को तो पता है ये चीज़ मत बोलो ना, मुझे पता है फिर अब तुम प्रैंक कर रही हो। नहीं जब मम्मी को सामने से ये बात सुनने को मिली है बहुत ज़्यादा, मम्मी बहुत दिनों से अवॉइड करती, कम से कम 2 महीने हो गया मम्मी ने बात अपने दिल में रखी, और अभी तक जब तक कोई मम्मी को, सब मम्मी के अगेंस्ट हो जा रहे हैं, मम्मी ने बोला क्या अगेंस्ट हो जा रहे हैं तुम्हारे साथ, साफ सब मना कर रहे हैं, मम्मी कह रही है सब ये बोल रहे हैं, अगर किसी और से भी करना चाहती अपनी मर्जी से कर ले, पर इसके साथ हम नहीं करेंगे, और वीडियोस तो बिल्कुल नहीं, और मैं तुमसे हाथ जोड़ गया, तुम्हारे पैर पड़ के भाई ये बोलूँगी, जितनी भी मेरे साथ की वीडियोस है ब्लॉग से सारी चीज़ें डिलीट कर दो, बस जो मेरी सिंगल है वो छोड़ देना, बाकी सब डिलीट कर दो। तो भाई ये ब्लॉग क्यों बनवाया मुझसे? यही लास्ट ब्लॉग था कि भाई इन लोगों को पता चल जाए, ये भी ना डालने के 10 दिन बाद ये भी डिलीट कर देना, और तुम्हारे पास मेरी ID भी लॉगिन है, वो ID भी लॉग आउट कर दो, और उसमें जो भी तुम्हारी हाइलाइट्स है बायो में, जो तुम्हारा लव करके है, जितने भी दिन से अचीव में हर चीज़, मतलब अपना हर जगह से नामो निशान मिटा दो, और अपनी ID से भी मेरा, और अपने फ़ोन से मेरी ID लॉग आउट कर दो, और मतलब कि सारे यार रिशु देखो देखो कसम से ये बात सच है, कसम से ये बात सच है, ये बात सच है कसम से, मुझे ऐसा कुछ मत फोर्स करना कि मैं बात आधी अधूरी छोड़ के मैं चली जाऊँ, और तुम्हें सीधा ब्लॉक कर दो, तुम कभी देख भी ना पाओ, बात भी ना कर पाओ। तो रिशु कोई ये बात थोड़ी ना है ना, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट, फैमिली नहीं मम्मी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा? तो भाई मम्मी को तो पता है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम्हारे घर में पता नहीं है, पता तो है ना, तुम्हारी मम्मी के गले पे रिश्तेदार चाकू रखे तुम कर, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बोले उसको छोड़ दे, तुम कटवा दोगे गला, या तो बोलो मैं तो प्यार करता हूँ, एक बार खुद बताओ गला कटवाओगे या मेरे पास आ जाओगे? मुझे पता है तुम प्रैंक कर रही हो, अब यार इस चीज का कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई। हाँ, मम्मी मेरे पास में कॉल करके तुम्हारी मम्मी बोलती है ना, पहले मेरी कसम ये खाओ तुम गला कटवाओगे या मेरे पास आओगे, बस इस चीज का आंसर भाई, जब ऐसी चीज होगी नहीं, अगर होगी तो होगी नहीं, होगी तो, जब होगी नहीं तो उस चीज के बारे में सोचना ही क्यों, जब जो चीज हो ही नहीं सकती तो उस चीज के बारे में सोचना क्यों, सब होगी वक्त भी दिखा देगा, बात रही खत्म, इस रिलेशन को वीडियोस को सब चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये ब्लॉग भी डालने
मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो यहाँ मेरा, तुमने मैं तुम्हारी कसम से, तुमने यही कहीं कैमरा वैमरा लगवा रखा है, मुझे तुम्हारी कसम, अगर अब तुमने लाइन बोली मैं ऐसी करी, मैंने तुम्हारी कसम गई सर पे आता कि मैं तो रो क्यों नहीं थी सर, ये बताने के लिए रो क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं लगने में जाती मुझे होना पड़ेगा ना। अरे यार मत करो रेशु, बुरा लगता है ना फिर ये सारी चीज़ें। देखो जो भी पब्लिक को था मैंने बता दिया, आगे जो तुम्हें बात करनी कर लेना, इस फोन से मेरी आईडी लोग आउट कर दो, सारी वीडियो डिलीट कर दो प्लीज यार, क्योंकि जब आगे मैं किसी घर में जाऊँगी देखेंगे मैं वीडियोस का है तो वीडियोस नहीं बनाएंगे ना, अपना रिलेशन रखना है ठीक है, वीडियो का चलो ठीक है। गाइस मैं वीडियोस बंद कर रहा हूँ रेशु के साथ में आज से, ठीक है। फैमिली ये भी नहीं अलाउ करेगी तुम कि तुम किसी और के साथ बनाओ भाई, ये मेरा करियर है ना, किसी और लड़की तो, और अगर मैं किसी और लड़के के साथ बनाऊँ आपके घर वाले यहाँ करते हैं यार। बाबू देखो जो चीज़ मेरे यार लड़का लड़की कंपैरिजन तो कर रही हो ना फिर, ये वही तो लड़का लड़की अलग नहीं होता, अगर लड़का लड़की के साथ बना सकते लड़की भी लड़की के साथ बना सकते, जो चीज़ मेरे ऊपर रख रहे हो वही सारी चीज़ अपने ऊपर रखने रखो पहले, उसके बाद मुझे जवाब। यार देखो अगर ये चीज़ है वीडियोज नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है आज से वीडियोज नहीं बनाऊंगा तुम्हारे साथ में, ठीक है ये वीडियो भी नहीं डाल रहा, सिर्फ एक मैं जो पोस्ट डाल के बोल रहा हूँ भाई, अपना देखूंगा जॉब करूंगा या कुछ भी करूंगा, जो भी करूंगा वो चीज़ मैं दिखाऊंगा अपनी पब्लिक को, बाकी नहीं बनाऊंगा। देखो मजाक कर रही हो ऋषि, तुम्हें मेरी कसम है मजाक कर रही हो, मैंने भी कसम है जब मैं तुम्हारा करूँ तुम्हारी कसम, एक बार और बोल दो मजाक कर रही हो ना, उठ के दिल्ली तो मेरा नाम बदल दे। देखो ठीक है यार सुनो, आज से हमारा सब कुछ ख़त्म, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, अब हम कभी साथ नहीं रहेंगे, मैं जा रही हूँ शादी करने। किससे शादी करने जा रही हूँ? तो मुझे पता है। हाँ तो मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, लाओ मम्मी से बात करा दो, अपने फ़ोन से कर लेना आप, ठीक है अपने फ़ोन से आप बात कर लेना। रिशु क्यों कर रही हो, बैग रखा है मेरा सुन तो लो, अबे यार क्यों बोल रही हो, इधर आओ एक सेकंड बात तो सुनो, बात तो सुन लो, क्यों कर रही हो, मुझे पता है मजाक कर रही हो, मजाक के चक्कर यार क्यों तोड़ रहे हो, क्यों क्यों इतना झूठ बोल रही हो यार, देख रहे हो गाइस बिना वजह का जो भी बात है साथ में शॉर्ट आउट करते हैं ना, तुम मेरे पीछे नहीं आओ। तो कहाँ जा रही हो, कैमरा बंद करके बात करें कुछ है? गाइस मैं अभी इससे थोड़ी सी बात करता हूँ समझाता हूँ, और बाकी ये व्लॉग शायद मैं ना डालूँ ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर वीडियोस से इसे प्रॉब्लम है इसकी फैमिली को या जो भी है, तो भाई वीडियोस बनाना मैं छोड़ दूंगा इसके साथ में, बाकी मैं कुछ और करूंगा, लेकिन भाई मैं इसे नहीं छोड़ सकता ना। और बाकी ये झूठ बोल रही है सच बोल रही है, इसकी मम्मी को मैं कॉल करता हूँ अपने फ़ोन से, तो अभी आप लोगों से मिलता हूँ, और अगर ये ब्लॉग होगा तो डालूंगा वरना तो कुछ पता नहीं, तो बने रहो ब्लॉग कुछ पता हो गई। आप लोगों को पता है मैंने उसको बोला था कि मैं मतलब ऐसे सीरियस दिखाया था, पर उसके बाद टैंक कर रही थी, और ये आप लोगों के ऊपर ही मैंने करा, बताऊँगी अभी कैसे हो। लग गए न्यू गर्लफ्रेंड के साथ लग गए, ये देखो इधर लव आईडी बनी है इसकी। गाइस तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने आप लोगों के ऊपर भी कर दिया है प्रैंक, क्योंकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, इसे मेरी मम्मी भी मिली हुई, इसे मेरा खानदान भी मिला हुआ है, और ये हम लोग मिल के कर रहे थे आपके और जस्टिन रोमियो पे प्रैंक, जो बिल्कुल एकदम क्या हो गया है सक्सेसफुल जो भी बोलते हैं। फ़ोन काटो पहले, मम्मी अभी कर रहे हैं आपको कॉल, मैंने कहा फ़ोन काटो तो मिले, अरे प्रैंक कर रही थी पापा। ये फ़ोन किसका है? रूपांची का फ़ोन, देखो तरह पीछे से। तो आज मैंने अरे मम्मी मिली भी है, ओ भाई ये देखो कुत्ता टाइगर लग रहा है ये तो, वो प्रैंक था ये बेबी आएगा प्रैंक, मम्मी बोल रही है कि अभी 5 मिनट में बेटा कॉल कर रही हूँ सब बता रही हूँ, तो बाबू ये प्रैंक था, मम्मी भी मिली हुई इसमें, काय का प्रैंक है, क्या कैमरा है, क्या प्रैंक है, कैमरा है ये, इसकी मैंने 2 क्लिप ली अपने फ़ोन से, ये दोनों क्लिप आपके फ़ोन आपके ब्लॉग में ऐड हो जाएगी ठीक है, और मैंने इसलिए इसको बोला था ब्लॉग शूट करने को, और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, मैंने आप लोगों को पहले इसलिए नहीं बताया था, मैं चाह रही थी यार इस बार मैं आप पे भी कुछ सड़क सा पड़ता प्रैंक कर दूँ, और अब यार बहुत ज़्यादा धूप हो रही है रात को, तो बाबू रो पता है क्यों रही थी,
गाइज रो इसलिए रही थी क्योंकि जब मेरा कोई सामान नहीं मिलता ना मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ, और जब मैं रो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके ऊपर प्रैंक कर दूँ। आइडिया है, रोते रो रो किसी और बात से रही थी, इसको मैंने दिखा दिया कुछ और बात। ए बीवी क्या प्रैंक करी यार, मैं पता है काम छोड़ के आया हूँ, मैं आज जॉब के लिए जा रहा था तो आपको करनी ही नहीं है जॉब। तो गाइस देखो अब ना इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। काम छोड़ के आया हूं, तुम रो रही थी, तुमने कहा कुछ रिलेशन से रिलेटेड। अब बोल तो दिया ना, मजाक का बात खत्म करो। अब तुम मेरी कसम इस बारे में बात नहीं करोगे, बोलो हेलो कर दो, हेलो गाइस कर दो। मैं व्लॉग डालूंगा ही नहीं। मैं डाल दूंगी, सोचता ही नहीं को आता एडिट करना, मुझे भी आता है। हेलो कर दो, हेलो फटाफट कर दो यार, बोलो यार। तुम यार पागल हो क्या? क्यों, क्या चीज है ये? अरे यार हार्ट होता है यार इन सारी चीजों से। अच्छा सॉरी सॉरी, पहले से ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जॉब की देख रहा हूँ, तुम ये चीजें करती हो। अब तो माफ कर दो, बोल दो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोलो जल्दी बोलो बोलो। आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम। भाई मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, वही है तो ही मुझे यही तारा मार है। अच्छा तुम्हें जो खाना तुम भी खाना, मेरे को भी ऐसा। मैं रात से टेंशन में हूँ, पता नहीं क्यों रो रही थी, पता नहीं क्या बात है, क्या बात है भाई। तो बात खत्म करोगे नहीं करोगे? तो किस लिए आए हैं यहाँ पर घूमने? बता देते हैं। अरे बता रही हूँ, तो मैं किसी को लेकर आता साथ मम्मी में, मम्मी के ऊपर हो जाता कुछ। अबे पाकरा, अबे देखो कह रहा प्रैंक कर रहा था तो किसी को बता देती। अबे भाई रील वील शूट हो जाती ना, अरे किसी को लेकर आ जाता। अरे नहीं, साथ मैं नॉर्मली मिलने आई हूँ, मम्मी के लिए सूट लेना है। मम्मी कह रही थी मैं जस्टिन से लूंगी सूट। कहाँ से सूट लेना? अरे मैंने सूट नहीं लिया, पालिका से लेंगे। वहाँ मम्मी भूल गए, मम्मी को एक दिन पहले याद आया। अब तुम्हें पता और कहीं तो मिलेगा नहीं। चले पालिका चलो, पहले आइसक्रीम। मुंह क्यों बना रखा यार? अबे यार तुम बिना लॉजिक की चीज कर दी यार, मैं इतने प्यार से आया था। ब्रेकअप दफान हो जाओ यहाँ से, फटाफट खड़े हो यहाँ से, खड़े हो। पूरा साथ देती है इसका, और रात को ऐसा रो रो के कॉल कर रही थी मुझे यार। मुझे मन कर रहा था बटर चिकन खाने का, मेरी मम्मी मुझे गालियाँ भोग रही थी बर्गर की, मजाक कर रही थी चश्मे के पीछे। इतने थोड़ी रहूँगी, जब मुझे कुछ खाना होता है ना, अभी जैसे मैंने आइसक्रीम का बोला ना, मैं क्यों लेनी है, मैं रोने से मैंने कहा ले लो, कहाँ ले लो, मैंने कहा तो मैं और लूँगी नहीं दोगे। जब कोई मुझे खाने के लिए मना कर देना मैं तब रोती हूँ, और पता नहीं रोते रोते ना मेरा ना दिमाग अभी चलना कहाँ है, मजा रोते रोते ना मेरा पता क्या दिमाग चलता है कि अगर रो ही रहे होगा तो कोई ऐसी चीज़ कर लो मज़ा आ जाए, इसलिए मैंने ये सब करा। अच्छा तभी रीशु को आइसक्रीम दिला दी है और खुद तो खाया सारी, जब बोल रही दूसरी ले तो मना कर रहा था। भाई जब खिला रही हो तो खा लूँगा ना। तो यहाँ से अभी रीशु बोल रही है इसकी मम्मी ने सूट मंगाया पालिका में से, सूट मंगाया पालिका से, तो अभी चलते हैं पालिका और वहाँ पे देखते हैं जो भी है। तो ये प्रैंक जो करा है ना बहुत बुरा करा है, ठीक है? सक्सेसफुल चलो ठीक है। चलो गाइज आप लोगों को मिलते हैं अभी जहाँ पे सूट लेने जाएंगे, जो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब तो जो भी था मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, सबसे पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो गाइज ठीक है। तो गाइज देख सकते हो भाई अभी हम आ चुके हैं पालिका से बाहर, तो भाई सूट ढूंढते ढूंढते ना रात हो गई बिल्कुल, और वहाँ पर पसंद ही नहीं आया इसकी मम्मी को, मतलब जो भी फोटो सेंड करे तो पसंद ही नहीं आया। हाँ भाई तो ये क्या भेलपूरी है खानी है? हाँ तो बताओ व्लॉग में क्या बोलना चाहोगी आप? कुछ नहीं। तो ये व्लॉग तुमने बनवाया है तो क्या कुछ बोलो, अपनी पब्लिक से बात करो, क्योंकि मेरा आज मन नहीं था व्लॉग शूट करने का। तो बड़ा हो गया, हम लोग अब घर जाएंगे बस, ये भी कुछ खाएगा कटे भी लेंगे, बेफालतू में बड़ा होगा। चार्जिंग है नहीं, मैंने अभी चेक कर दी 18 हो गए, अब तो 15 हो गए, तो बस यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाएंगे अपना घर जाएंगे। तो मेरा भी मूड ना थोड़ा थोड़ा ऑफ हो गया, मेरे को जल्द चलिए मैं सब जाती हूँ। तो यही है यार जो भी कह रहा है। तो मम्मी को पसंद क्यों नहीं आया ये तो बताओ, मम्मी को सूट क्यों नहीं पसंद आया? मेरी मम्मी को ना लड़कियों के टाइप की चीज़ जो आर्सल वाले चल रहे थे सलवार नीचे से बंद होते वो, और वो हमें मिला वाइट कलर का। मैं ये बात हुई तो मम्मी को मेरा पसंद ही नहीं आया, तो मम्मी को लड़के वाले चाहिए और मम्मी को ज़्यादा डॉक्टर कलर नहीं आते। और मेन बात ये है कि मम्मी सामने से देख के पसंद करती भी थी, तब भी मुझे मम्मी ने कहते जा 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 और चलो गाइज अभी यहाँ से घर जा रहे हैं। तो भाई जो भी करा आज के दिन, जो भी था व्लॉग,
अब पता नहीं मेरा मन करेगा एडिट करने के बाद डालने का तो डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा। तो गाइज आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, देखते हैं डलेगा नहीं डलेगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड जो चैनल पर नया चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।